छोड़ रखे हैं, उनकी नाक में नकेल डाल करके घूंटों में कैसे बांधना है, या फिर मेरी कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत सरोज ने आज जमकर बीजेपी पर अपनी भड़ास निकाली। कौशाम्बी में हुई जनसभा में इंद्रजीत सरोज ने कहा कि बीजेपी सिर्फ जुमला दे रही है, जबकि सपा की सरकार बनी तो जनता को राहत मिलेगी। कभी कांग्रेस और भाजपा में विश्वास मत करना, कांग्रेस अगर सांपनाथ है तो भाजपा नागनाथ है, दोनों ही जहरीली पार्टियां, दोनों ही जहरीली पार्टियां हैं। ये गरीबों, कमजोरों, कमेरा समाज की दुश्मन पार्टियां हैं। ये जो कहती हैं उसका ठीक उल्टा करने का काम करती हैं। मुझे भी लालच दिया गया, आपके जो चुनाव के मैदान में डिप्टी सीएम साहब हैं, इन्होंने अपने दूतों को भेजने का काम किया कि कह दीजिए इंद्रजीत सरोज चले आए, हम अमित शाह जी से बैठा के बात करा देंगे, अगर एमएलसी बनना चाहेंगे तो बनवा देंगे, अगर राज्यसभा जाना चाहेंगे तो भिजवा देंगे। लेकिन हमें अपने गुरु की बात याद थी, हमने उनके ऑफर को ठुकरा दिया। साथियों जो हमने उनके ऑफर को ठुकरा दिया, हमने लालच नहीं किया, समाज के हित में एक नौजवान 2012 से लेकर के 17 तक उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने का काम किए। मैं भी विपक्ष में बैठा था, उस नौजवान के जज्बे को देखा। 22 महीने के अंदर लखनऊ से आगरा तक 302 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाकर जिसने चला दिया। सभा में सिराथू विधानसभा की सपा गठबंधन की प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने भी जमकर बीजेपी की नीतियों की आलोचना की और लोगों को बताया कि अगर उनकी जीत हुई तो इलाके का विकास मुख्य प्राथमिकता होगी। शहर से खुला हुआ है, ये हमको क्या समझाने का काम कर रहे हैं कि 5 किलो राशन देंगे कह रहे हैं ना। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, उसका जवाब दे दीजिएगा और बाद में निर्णय भी आप लोगों पे छोड़ती हूँ। 5 किलो राशन के बदले ये हमारे खेतों में लहरा रही 50 क्विंटल फसल को छुट्टा सांड से चरवाने का काम कर रहे हैं, तो बताइए ये किसानों के लिए घाटे का सौदा है कि मुनाफे का सौदा है। जो ये छुट्टा सांड इन लोगों ने छोड़ रखे हैं, उनकी नाक में नकेल डाल करके खूंटों में कैसे बांधना है, ये आपकी बेटी को बहुत अच्छे से आता है। करने के लिए खाद मांगने जाते हैं तो लाठियां मिलती हैं, अपने हक के लिए न्याय मांगने जाते हैं तो लाठियां मिलती हैं। याद होगा वो मंजर आपको कि लॉकडाउन के दौरान 2000 किलोमीटर पैदल चल के जो भूखा प्यासा सरकार